सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो जगबानी टीवी। मैं हाँ तुहाडे नाल वरुण भट्ट। कौमी सड़क मार्गां दा सफर हुण महंगा सौदा साबित होण लग पिया। किसानी संघर्ष तो बाद टोल टैक्स दे विच काफ़ी वाधा होया। पंजाब की जेकर गल करिए तां टोल टैक्स कंपनियां ने अपने पुराने घाटे भी पूरे कर ले हन ते अप्रैल महीने दे विच टोल दे विच लगातार वाधा हुंदा जा रहा है ते कई टोल टैक्स की म्याद इन्नी क ज़्यादा है कि पंजाबी टोल तार दे बुढ़े हो जाएंगे। वेखो खास रिपोर्ट। कौमी सड़क मार्गां दा सफर हुण महंगा सौदा बनता जा रहा है। किसान घोल मगरों टोल टैक्स विच इन्ना क ज़्यादा वाधा होया है कि टोल कंपनियां पुराने घाटे भी पूरे करन लगियां हन। पंजाब विच टोल टैक्स की वसूली के नवे रिकॉर्ड कायम कर दिते जापते हैं। लंघे पांच वर्यां विच कौमी सड़क मार्गां तों टोल वसूली के तत्थ इसकी गवाही भी भरते हैं। हर साल अप्रैल महीने तो टोल की कीमत विच लगातार वाधा हुंदा जा रहा है। यह सालाना वाधा ही पंजाबियों ते वित्ती भार बन रहा है। कौमी सड़क मंत्रालय के ताज़ा वेरव्यां अनुसार 1 अप्रैल 2018 तो दसंबर 2022 तक पंजाब विच NHIA के मार्गों उपर पेंदे टोल प्लाजियां तो तकरीबन 2844.60 करोड़ रुपए की वसूली हुण तक की जा चुकी है। पंजाब सरकार के अपने सूबाई टोल प्लाजे हैं, उन्हां तो वसूलिया टोल इस तो वक्रा है। पंजाब विच कौमी सड़क मार्गों ते करीब 2 दर्जन टोल प्लाजे हैं। इन्हां ने साल 2018-19 विच प्रतिदिन औसतन 1.71 करोड़ रुपए का टोल वसूल किया है, जबकि 2019-20 दौरान इन्हां टोल प्लाजियां ते लोगों ने रोज़ाना औसतन 1.99 करोड़ रुपए टोल वजों उतारे हैं। दस दईए कि 3 खेती कानूनों खिलाफ चल रहे किसान अंदोलन दौरान अक्टूबर 2020 तो यह टोल प्लाजे किसान धिरां ने टोल तो मुक्त कर दिते सन, जिस दे नतीजे वजों साल 2020-21 दौरान प्रतिदिन औसतन लोगों ने 77.30 लाख रुपए का टोल उतारिया है। इसे तरह 2021-22 विच प्रतिदिन औसतन 80.40 लाख रुपए टोल वजों दिते गए हैं। किसान अंदोलन वाले 2 साल विच टोल वसूली विच वड्डी कमी हुई सी, लेकिन टोल कंपनियां ने सरकार कोल यह प्रगटावा किया सी कि इन्हां दोवें सालां विच उन्हां दा इकल्ले पंजाब विच 1269.42 करोड़ रुपए का वित्तीय नुकसान होया है। जदों कि किसान धिरां ने यह टोल प्लाजियां तो धरने चुक दिते तां इन्हां दी वसूली एकदम वध गई ते चालू माली वरे साल 2022 तो 23 दौरान इन्हां NHAI मार्गों का औसतन टोल प्रतिदिन 10.41 करोड़ रुपए ते पुज गया है, जो अपने आप विच एक रिकॉर्ड है। सूत्र दसदे हन कि किसान घोल दौरान भी सालाना टोल विच वाधा हुंदा रहा है। हुण जदों यह टोल प्लाजा मुड़ खुले तां कंपनियां दे खजाने नूं वड्डा जिथे फायदा पहुंचिया, तां उत्थे ही साल दे दसंबर महीने तक पंजाब विच कौमी सड़क मार्गों तो कंपनियां ने 953.19 करोड़ रुपए वसूल लए हन। इस माली वरे दौरान यह कमाई करीब 1300 करोड़ तक पुजन का अनुमान लगाया जा रहा है। तो उत्थे ही किसान यूनियन के कुछ आगुआ वालों ये भी कहा है कि सरकारा वालों एक पासे रोड टैक्स भी वसूल किया जा रहा है, तो दूजे पासे टोल टैक्स भी लोगों ते थोप दिता गया है, तो यह दोहरी लुट बंद होनी चाहिए है। दस दईए कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पिछले समय दौरान स्टेट हाईवे ते पैंदे 3 टोल प्लाजा बंद भी किए हैं। होशियारपुर टांडा सड़क ते पैंदे 1 टोल प्लाजा की लुट नू भी जनतक कुछ लोगों वालों किया गया सी। तां देखा जाए तो कई टोल प्लाजा इन्नी लंबी म्याद दे हन कि पंजाबी टोल तार दे बुढ़े हो जाएंगे। कौमी मार्गों ते टोल वसूली दे की हन आंकड़े। साल 2018-19 दे विच सालाना वसूली 625.73 करोड़ रुपए हुई, जबकि प्रतिदिन वसूली 1.71 करोड़ रुपए हुई। 2019-20 दौरान सालाना वसूली 690.06 करोड़ हुई, जबकि प्रतिदिन वसूली 1.99 करोड़ रुपए हुई। 2020-21 की गल करिए 282.15 करोड़ रुपए सालाना वसूली हुई, जबकि प्रतिदिन 77.30 लाख रुपए हुई। जबकि 2020-21-22 दौरान सालाना वसूली 293.47 करोड़ हुई, जो कि प्रतिदिन 80.40 लाख रुपए बनती है। जेकर हुण 2022-23 की दसंबर तक गल की जाए तो सालाना वसूली 953.19 करोड़ रुपए
हो चुकी है ते प्रतिदिन औसतन 10.41 करोड़ रुपए वसूली टोल प्लाजा ते कीती जा चुकी है जो कि हुण तक दा सब तो वध आंकड़ा है। सूत्र दसदे हन कि 3 खेती कानूनों के विरोध दे विच पंजाब दे विच तकरीबन टोल टैक्स किसान जथेबंदियों वालों मुक्त कर दिते गए सन, लेकिन फिर भी सालाना टोल दे विच वाधा हुंदा रहा है। तां हुण किसान जथेबंदियों वालों यह सवाल चुके जा रहे हैं कि जब रोड टैक्स आम लोगों तो वसूलिया जाता है तो हुण टोल टैक्स लगा के दुगनी लुट क्यों की जा रही है जो कि बंद होनी चाहिए है। हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान होना वालों स्टेट हाईवे उपर लगे 3 टोल प्लाजा बंद करन दे हुकम दिते गए हैं। देश विदेश दीआं तमाम खबरां लई तुसीं जुड़े रहो जगबाणी टीवी नाल।